हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक और प्रीवियस ईयर आईआईटी के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे न्यूमेरिकल के लिए और अपनी न्यूमेरिकल अप्रोच के ऊपर और ज़्यादा ग्रिप बनाएंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आया हुआ है 2002 में। देखिए क्या कहता है, एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अज्यूम टू बी द एक्स वाई प्लेन। ये रहा एक्स वाई प्लेन, अज्यूम कर लिया हमने। ए स्मॉल ट्रॉली ए इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ध्यान रखना कि वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है और कितनी दे दी है, अंडर रूट 3-1 मीटर पर सेकेंड। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन द लाइन ओ ए मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ये रहा, ए बॉल इज थ्रोन अलोंग द सरफेस फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ से एक बॉल फेंकी गई, इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल फाई विद द एक्स एक्सिस एंड हिट इट हिट्स द ट्रॉली। तो ये देखो, यहाँ से मैंने ये बॉल ऐसे फेंक दी और ये जाकर के ट्रॉली से टकरा गई। तो इसकी जो वेलोसिटी है बॉल की, बॉल है तो मैं बी मान लेता हूँ, ये कोई एंगल मान लो फाई या थीटा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व्ड, थीटा नहीं बना रही, फाई बना रही, सॉरी। द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द ट्रॉली। आप यहाँ बैठे हुए हो इस ट्रॉली के अंदर और यहाँ से इस बॉल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, और जब आप इस मोशन को ऑब्जर्व करें तो आपने देखा कि ये एंगल थीटा बना रही है बॉल एक्स एक्सिस के साथ, इसका जो वेलोसिटी है। चलो कोई बात नहीं, समझते हैं। अभी देखो जरा, देखो ये है एक्स और वाई प्लेन, हमें क्या करना है, एंगल थीटा बताना। अभी देखते हैं, ये है ट्रॉली, ये ट्रॉली यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ये एक बॉल फेंकी आपने और ये हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो कोई एंगल बना रही है फाई। जब आप इस बॉल को इस ट्रॉली से ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसका मतलब है आपको जो है इस बॉल की किस तरह की वेलोसिटी दिख रही है। आप कहेंगे मैं ट्रॉली से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं तो रेस्ट पे हूँ, मेरे रिस्पेक्ट में देखूंगा तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मुझे कौन सी वेलोसिटी दिखेगी, रिलेटिव वेलोसिटी। और ये बॉल जो है इस ट्रॉली को हिट कर रही है, हिट करने का मतलब है कि हमेशा इस ट्रॉली वाले को ये बॉल इस लाइन के साथ आती हुई दिखाई दे रही है, तभी तो ये हिट करेगी। तो ये डायरेक्शन मिल गई वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ए की। अब आपसे पूछ लिया कि जब मैं इस ट्रॉली से देख रहा हूँ तो मुझे इसकी जो वेलोसिटी है यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल थीटा बनाते हुए दिख रही है, मुझे इस थीटा की वैल्यू बतानी है। देखो रिलेटिव वेलोसिटी हिट करेगी तभी जब इसी लाइन पर होगी, और ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही, 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। सो सिंपल, फर्स्ट पार्ट हो गया इजीली। अब अगला पार्ट क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस इफ फाई इज इक्वल्स टू 4θ/3। यानी कि अब मुझे क्या बतानी है, वेलोसिटी ऑफ बॉल फाइंड आउट करनी है, कब, जब आपके पास में फाई की वैल्यू कितनी हो, 4θ/3। अच्छा, 4θ/3 होने का मतलब कितना एंगल, 4θ/3 होने का मतलब कितना एंगल, तो 4 × 45/3 कर दोगे, कितना एंगल आ जाएगा आपके पास में, 60 डिग्री। चलो जरा देखते हैं अब क्या आएगा। देखो अब चलो जरा मैं वेक्टर फॉर्म लिख लेता हूँ इन सब की, मैं वेक्टर फॉर्म लिखता हूँ यहाँ पर, देखते हैं। देखो मैं एक डायग्राम और बना लेता हूँ, ये मेरा है एक्स, ये मेरा है वाई, ये है मेरे पास में ए ट्रॉली 45 डिग्री के ऊपर, ये है मेरे पास में बी कोई बॉल किसी एंगल फाई पे जिसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, अभी रख देंगे, कोई बात। तो देखो ए को हमें दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करता हूँ तो इस तरफ आ जाएगा वी ए कोस 45 डिग्री और ऊपर क्या चला जाएगा, वी ए साइन 45 डिग्री, ठीक है। ओके, एक चीज़ और यहाँ पर, इसे वी ए को हमें रिजोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, देखो क्योंकि वी ए जो है मुझे ऑलरेडी वी ए की डायरेक्शन गिवन है। देख लो, वी ए तो मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए तो मैं यहाँ सीधा ही लिख देता हूँ कि जो मेरी वेलोसिटी ऑफ ए है वो वाई एक्सिस में जा रही है ऐसे, तो वेलोसिटी ऑफ ए मेरे पास में जे कैप आ जाएगा। मुझे वेलोसिटी ऑफ बी को रिजोल्व करने की ज़रूरत है तो यहाँ मैं वेलोसिटी ऑफ बी कोस फाई लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी साइन फाई लिख देता हूँ, फाई की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल रखी है 60 डिग्री, तो मैं यहाँ रख देता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ बी कोस 60 डिग्री आई प्लस वेलोसिटी ऑफ बी साइन 60 डिग्री जे, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा
वेलोसिटी ऑफ बी कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2 i प्लस वेलोसिटी ऑफ बी साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2 j। अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मेरे पास में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, लिख देता हूँ। चलो ये बन जाएगा वी ऑफ बी बाई टू इंटू में आई प्लस में वी ऑफ बी √3/2 इंटू में जे माइनस में वेलोसिटी ऑफ ए इंटू में जे कैप, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, जे कॉमन ले सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बी बाई टू आई कैप प्लस में वेलोसिटी ऑफ बी √3/2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, और ये क्या आ जाएगा जे कैप, और ये क्या आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया है कि कई बार हमें अलग तरह की अप्रोच की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे अब इस क्वेश्चन में पड़ी। अब इक्वेशन एक है और हमें इसी में से वी बी की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकाल सकते हैं, देखो अब यहाँ पर अगर आप डायग्राम बनाएं एक्स और ये वाई, तो जो वेलोसिटी ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू ए वो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर मैं इसको रिजोल्व करता हूँ तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का एक्स कंपोनेंट और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का वाई कंपोनेंट, ये मेरा वाई कंपोनेंट है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का वाई कंपोनेंट अपॉन में वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का एक्स कंपोनेंट किसके बराबर है, टेंजेंट 45 डिग्री के इस ट्रायंगल में देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेंजेंट 45 1 हो गया। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का वाई कंपोनेंट किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के एक्स कंपोनेंट के। अब इसका वाई कंपोनेंट क्या है, वी बी √3/2 माइनस वी ए, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर वी बी √3/2 माइनस वी ए मस्ट बी इक्वल्स टू, एक्स कंपोनेंट क्या है वी बी बाई टू, लिख दिया मैंने वी बी बाई टू, मैं एक तरफ कर लेता हूँ वी बी √3/2 माइनस वी बी बाई टू इज इक्वल्स टू वी ए। यहाँ से क्या आ जाएगा, वी बी मैं कॉमन निकाल देता हूँ √3 - 1 2 दूसरी तरफ ले गया मल्टीप्लाई कर दिया 2 times ऑफ वी ए। वी ए की वैल्यू मेरे पास में कितनी थी, वी ए की वैल्यू तो मेरे पास में थी √3 - 1 गिवन थी, तो √3 - 1 ये इससे कट गया, तो वेलोसिटी ऑफ बी मेरे पास में कितनी आ गई, 2 m/s, ठीक है बेटा। तो कई बार हमें इस तरह की अप्रोच की भी जरूरत पड़ जाती है जिसमें हमें टेंजेंट थीटा की रिक्वायरमेंट होती है, ये क्वेश्चन उसका एक अच्छा एग्जाम्पल। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।